खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसली कुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। सो आज की जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन हो रही है इनके साथ। तो जी गिर रहे सब लोग। ओके जी, तो एक नारा हो जाए अच्छा सा, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और, पाकिस्तान जिंदाबाद। So this is Zainab Rawatel stuff. जश्न आज़ादी मेरी तरफ से अहलियान पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। और जश्न आज़ादी का जश्न दोबारा हो गया था जब अरशद नदीम साहब ने अगस्त में हमें यह तोहफा दिया कि वो गोल्ड मेडल इनफरादी तौर पर, इनफरादी जद्दोजहद के तौर पर, खुद इनफरादी के तौर पर लेकर आए हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने हमारे मुल्क का नाम तमाम ही दुनिया में रोशन कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स में इतना बड़ा गोल्ड मेडल हासिल करके पूरी दुनिया को ये बताना कि हम टैलेंटेड लोग हैं, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये कि आप सभी को अपने मुल्क के लिए इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा। कोई ये नहीं बोल सकता उसने मेरे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया, इनफरादी तौर पर भी बहुत कुछ हो सकता है। ओके जी, मैंने इस वक्त इस जश्न आज़ादी पर झंडियाँ नहीं लगाई थी, मैंने झंडा लगाया और मैंने डेकोरेशन के लिए बकायदा इस तरह से काम किया कि जो जगह मेरे आसपास गंदी थी मैंने उनकी सफाई करवाई, उसके बाद वहाँ प्लांटिंग की। मैंने जश्न आज़ादी का एक दिन नहीं मनाया, मैंने पूरे एक महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। और मैंने जो जगह गंदी थी पहले उनको साफ़ किया, फिर उसके बाद जो है वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट किया एंड लोगों को भी अवेयरनेस दी कि यहाँ कचरा आपने नहीं डालना। उसके बाद मैंने वहाँ प्लांटिंग की, वो मैं पूरी एक वीडियो में आपको कल लिया परसों इंशाल्लाह ताला वो अपलोड करके पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। एंड मैंने अभी तक वो अपलोड भी नहीं किया था, मैं आपको दिखाना चाहती थी जश्न आज़ादी के बाद जब मैं पूरा प्रोसेस कर लूँ। ठीक है जी, सो जश्न आज़ादी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो एंड थैंक्स अ लॉट अरशद नदीम, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया एंड इस कॉम का, इस मुल्क का नाम रोशन करके रख दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सभी से, इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर कोई भी कुछ भी कर सकता है और उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती, बस आपकी जद्दोजहद अनथक मेहनत की ज़रूरत होती है। सो अब चलते हैं उस तैयारी की तरफ जो हमने जश्न आज़ादी के लिए की और जो तैयारी मैंने की बाकायदा एंड मैंने किस तरह से सेलिब्रेट किया, मैं आपको वो दिखा था। मैंने यहाँ से इनका चला गिटार वाला किया, मुझे गिटार वाला ही बहुत अच्छा। आप दिखा रहे हैं असल चीज, असल चीज ये वाली है, ये अच्छी है ज्यादा, मुझे ज्यादा अच्छा ये वाला लग रहा है। ये है कौन सा फ्लेवर? ये पाइनएप्पल ना, वो ब्लैक फॉरेस्ट। बस पाइनएप्पल सब खा लेंगे, वो ब्लैक फॉरेस्ट वो अच्छा है, वो ब्लैक फॉरेस्ट है। और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 19.10। भाई यहाँ वेरायटी बहुत जबरदस्त है, अगर कल तक आपको केक लेना है तो अहबाब स्वीट्स पे आ जाए। मैं कहीं और जा रही थी लेकिन कितने थे मैंने कहा अहबाब पे चेक कर लेते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास पहले से रेडी थे, मुझे पता नहीं था रेडी है या नहीं है, सब केक्स रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। ये देखें, ओहो जबरदस्त, एक्सीलेंट वर्क, क्या कमाल की चीज है, जबरदस्त। ओके सो मैं इस वक्त घर आ चुकी हूँ, मैं केक ले आई हूँ एंड बड़ी आराम आराम से रिक्शे वाले को बुला, आराम आराम से भैया, आराम आराम से, फिर वो झटके आपको पता लगेंगे और केक का सत्यानाश हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सलामत मेरा केक पहुँच गया। अभी मैं थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ ऐसे करके, और इसकी केक कटिंग सेरेमनी हम नीचे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसकी तैयारी थोड़ी सी बाकी है। अभी मैं इसके लिए फ्रिज का ऊपर वाला खाना खाली कर रही हूँ और ये यहाँ फिक्स हो जाएगा, हम रात को केक जो है कट कर लेंगे। सो दैट्स हाउ इट्स डन। चलें जी, बोतलें शोतलें हटा लेते हैं, ये खाना हो गया खाली हमारा, और अगर हमारी अम्मा आएंगी तो वो यहाँ रख देंगी इसको, या ये मेरे हाथ में मोबाइल है ना भाई,
चलो अम्मा मोबाइल यूं पकड़ ले, मोबाइल ऊपर रख, आप यहाँ पकड़े ना, मैं यूं पकड़ ले, अच्छा फिर आप रख दे आराम से, बिस्मिल्लाह पढ़, हाँ यूं बंद कर दे, बंद कर दे, हाँ बंद हो गया, छोड़ दे छोड़ दे, ऐसे छोड़ दे, हाँ बस उल्टा मम्मी सीधा सीधा, हाँ सीधा, अच्छा चलो ये केक हमारा जा रहा है, बिस्मिल्लाह, अम्मी गिर जाएगा, नहीं गिरता भाई, मैं कोई काटती भाई, पता है ना आपको प्रोग्राम वड़ भी सकता है, वो क्या क्या कहते हैं, प्रोग्राम वड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करेंगे, तो गैस अभी इसको बंद करते हैं और अभी हम चलते हैं नीचे, हम बल्ब बल्ब चेक करेंगे, मन चले नौजवान जो वन व्हीलिंग करते हैं 14 अगस्त पे, चले जी यहाँ से हम आपको अपना सेटअप दिखा देते हैं, दैट्स हाउ इट्स डन, एंड ये देखें जी, और ये हमने जो काम किया है इम्पोर्टेंट काम, हमने इस बार झंडियाँ नहीं लगाई, झंडियाँ लगा लें आपका कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी वैध भी नहीं करें, हमने लगाए प्लांट्स, मैंने प्लांटिंग की है प्रॉपरली, ठीक है, ये सारे प्लांट्स मेरे लगाए हुए हैं, और ये है दिस इज द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, अब एक नारा हो जाए पाकिस्तान, दोबारा एक साथ 1 2 3 गो, अभी 15 मिनट है पूरे, 3 आ जाओ, चलो जी ये लोग अभी जो है ये पटाखे फाड़ रहे हैं, और ये और किसी का हाथ जलेगा तो वो डबल पिटेगा देख लेना, पहले पटाखा फटेगा फिर मुंह फटेगा, तुम दो यार मुझे मार, मैं कर रहा हूं ना, पहले तो वाही भाई का फटता है, चलो भाई तीन तीन अपना मुंह लेके बैठे आगे पटाखे, चलो भैया जल गए सारे, हटो उधर उधर फेंको, अबे जीशान कहां फेंक दिया, कहां फेंका, जीशान ने घबराहट में उधर फेंक दिया, पागल मैं जला रहा हूं ना, अभी जो है सब बच्चे पटाखे फोड़ने में मसरूफ है, खूब इंजॉय कर रहे हैं, और ये सब तमाम की तमाम डेकोरेशन की है सिर्फ और सिर्फ मैंने, सो दिस इज हाउ इट्स डन, और मैंने सोच लिया था कि मैं झंडियाँ नहीं लगाऊंगी इस दफा, मैं प्रॉपर वर्क करूंगी, मेरा ये पूरे 1 महीने की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह, और पौधा लगाना और उसको फिर ग्रोथ देना, मेरी 5K की जो यूट्यूब के मेरे 5K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तो 5K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके होंगे, सो दैट्स हाउ इट्स डन एंड थैंक यू सो मच, फायरिंग हो रही है भाई, तो इस वक्त तमाम के तमाम लोग जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबको, आप तमाम सब्सक्राइबर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माई ऑल द सब्सक्राइबर्स जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मेरे चैनल को, इतना लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, एंड मेरे 5K कंप्लीट करवाए, थैंक यू सो मच, सो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और यहाँ पर सो आज की आज़ादी सबके नाम, एंड केक कट हो चुका है, सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, पौधा खराब नहीं होना चाहिए, इधर से आना, चलो उधर से आओ, उधर से पौधा खराब नहीं होना चाहिए, दिल की हिम्मत बता, चलो चलो जाओ भागो सब, रमजान तो लेट हो गया, जाओ क्या हो गया, मेरा उंगली खा हुई क्या, आ जाओ कौन आ रहा है, मैं तो घर वालों, ये लो रमजान, मैं घर वाला, मैं तो घर वालों घर जाके खा लूंगा, ओ भाई भाई आओ, ये लो,
यू सो मच। अच्छा जी, ये वो सारे बच्चे जिन्होंने प्लांटिंग में मेरी हेल्प की थी एंड इनको मैंने केक नहीं खिला सकी क्योंकि ये लोग रात को नहीं आ पाए, रात को 12 बज चुके थे। और ये वो सारे बच्चे जिनकी बहुत सारी एफर्ट्स थी। सो यस, अभी हम केक कट करते हैं और फिर आपसे दिस इज द सेकेंड केक जो हम कट करने वाले हैं। और एक केक हम रात को कट कर चुके थे लेकिन बच्चे गायब थे, तो अभी हम इनको केक खिलाते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका जी, आप लोग सब आए एंड आपने इतने एफर्ट्स किए, थैंक यू सो मच। कितने हो आप लोग, काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, शामिर कौन शामिर भी है? जो कल खा चुके हैं वो तो नहीं खाएंगे। ये नहीं है ना, ये इसने कल नहीं खाया, इसने कल नहीं खाया, इसने कल नहीं खाया, बस ये जो है ना ये सारे बच्चों ने कल नहीं खाया। हाँ तो आप चले जाओ, आपको बहुत लेट हो रहा है ना, आप चले और ये बोल रहा है क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद। बस इतना आराम से कौन बोलते है? छोटे बच्चे का मुझे जरा फोकस कराओ, छोटे बच्चे आगे जाओ। देखिए हमारे छोटे बच्चे वन, जो छोटे ईसा को बुलाओ, ईसा इधर आओ, ईसा और ये तुम्हारा भाई है ना, ईसा और आप इधर आओ, ये लो आप दोनों साथ का अपन 1, 2, 3, 4 आप लोग भैया भी है, ईसा आपके भाई का भाई को दे दो पीछे, आप ही इसमें से मेरी जिम्मे लग रहा है, सब मेरी से जिम्मे आप और आप एक में आ जाओ ठीक है। अबे करा दे, चलो आप और आप निशान सहार आप और कशान का ये इसमें डालो, पहले गार्ड देखो, गार्ड है जी, पहले गार्ड को देखो, गार्ड को देखो, और जब इसके साथ खुद होगा ना फिर इसका रोना चेक करना भाई, जब खुद होगा ना फिर रोएगा भाई। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने आपसे कहा था मैं आपको केक खिलाऊंगी लेकिन आप लोग एब्सेंट थे कल रात को, तो फिर मुझे आगे इनको अभी केक सेलिब्रेशन करना पड़ा इन सबके साथ। इन सबके एफर्ट्स का मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, इन लोगों ने इतने दिन से मेरे साथ कोऑपरेट किया हुआ है, मैं प्लांटिंग कर रही थी ये लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे थे एंड इन्होंने सारा पार्क भी कचरा इन्होंने उठाया है बाकायदा, एंड थैंक यू सो मच अ लॉट। एंड ये बहुत अच्छी बच्ची है, सो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं इनको केक नहीं खिलाती, सो दैट्स हाउ इट्स डन। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी मुबारक आप सभी को, एंड आप भी अपने जगह के लिए अपने घर के लिए ऐसे ही काम करें एंड इंडिविजुअल्स भी ये कर सकते हैं, साफ सफाई रखना आपका काम होता है, गवर्नमेंट का काम नहीं है ये, आप खुद करते हैं सारे काम। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी, जश्न आज़ादी मुबारक हो। एंड एक महीने पहले से हम काम कर रहे थे और उसका आज जो है हमने सेलिब्रेशन किया है, सो ये देखें जी जश्न आज़ादी मुबारक बोल दें, शर्म आ गई। चलिए जी, स्टे कनेक्टेड, स्टे हम्बल, दिस इज इन अवर ऑथर स्टफ, यस।